नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रही खनन पट्टा मामले की सुनवाई को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सीएम सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सीएम सोरेन ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अपील को स्वीकार करने के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य बताया था। CJI जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा, हमने इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है, जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये कह दिया कि ये PIL निराधार है और मेंटेनेबल नहीं है, और जो जजमेंट हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसको मेंटेनेबल मानते हुए इसको चलाने का जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है और कह दिया है कि PIL मेंटेनेबल नहीं है। उन PIL को खारिज किया है। PIL की मेंटेनेबिलिटी पर यहाँ चैलेंज था और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कि मेंटेनेबल नहीं है। PIL अंडर द गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और व्हाटएवर लॉ व्हिच द सुप्रीम कोर्ट विल से इन इट्स डिटेल्ड ऑर्डर, ये मेंटेनेबल नहीं है, इसीलिए ये सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। इधर सीएम सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे यूपीए के नेता इस फैसले से गदगद हो उठे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता की जीत बताने लगे, बीजेपी पर आरोपों की बौछार करने लगे, धमकियां भी देने लगे। विश्वास हमारे संविधान पे और हमारा मजबूत हुआ है और इस देश के कानून पे हम बिल्कुल भरोसा रखते हैं। आज ये झारखंड के तमाम जनताओं का और जनता द्वारा चुने गए इस सरकार का जीत हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी सरकार द्वारा और चुनी हुई सरकार के विरोध में जिस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी आज सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में बाहर निकल करके बाहर आ रही है। जनता का विश्वास माननीय हेमंत सोरेन जी पे और मजबूत हुआ है और इन सभी चीजों से हम परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, मजबूत होकर के और हम लोग बाहर निकलेंगे। ऐसे पूरे पार्टी में खुशी की लहर है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा था भाजपा द्वारा बार बार, इसको लेकर पार्टी में कार्यकर्ताओं में पूरे राज्य में देख रहे थे कि उग्र आंदोलन करने की मनस्थिति हो गई थी, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, धरना प्रदर्शन रैलियां चल रही थी। जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से गला फाड़ फाड़ करके हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास जगा था। हम लोगों ने न्यायालय का रास्ता खटखटाया और न्यायालय से हम लोगों को पूरा उम्मीद था और आज हम लोगों को न्यायालय से न्याय मिला है। हालांकि बीजेपी ने भी सोरेन सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश मार्च निकाला और राज्य की UPA सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। जून को झारखंड हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं में शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इस बीच 3 नवंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन को तलब किया, लेकिन सोरेन रांची में ईडी के कार्यालय में पेश नहीं हुए। सोरेन ने ईडी को चुनौती दी थी कि अगर उन्होंने गुनाह किया है तो सीधे गिरफ्तार किया जाए। विवेक चंद्र, रांची, न्यूज 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।